हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि पाइथन में होते हैं। पाइथन में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जिनका यूज़ करके हम कंडीशंस को हैंडल करते हैं। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट इनको जानेंगे, और कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन में अवेलेबल हैं हम उनको जानेंगे, उनके सिंटेक्स को समझेंगे और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझेंगे। तो अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, तो जब हम पाइथन में प्रोग्राम्स करते हैं तो प्रोग्रामिंग एक तो बहुत सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मली बस इनपुट लेकर के कैलकुलेशन करके और आंसर देते हैं। जैसे कि अगर आप दो नंबर एडिशन का प्रोग्राम बनाते हो, तो आप इस तरीके से दो नंबर का इनपुट लेके और उसमें एडिशन कर देते हो और उसको डिस्प्ले कर देते हो। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सिंपल प्रोग्राम्स, यानी कि हमें इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, बस इनपुट लेके उसे कैलकुलेट करके और उसके आंसर को डिस्प्ले कर दिया जाता है। जैसे कि हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने दो नंबर का इनपुट लिया, कैलकुलेशन करी यानी कि एडिशन किया और उसको डिस्प्ले कर दिया, तो यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में कोई कंडीशन नहीं है। तो इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग बस इनपुट लेके कैलकुलेशन करके डिस्प्ले कर देते हैं, जिसमें कोई कंडीशन वंडीशन नहीं होती है, सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम्स में कंडीशंस आ जाएँ। कंडीशंस कहीं पर भी कैसे भी आ सकती हैं, तो हमें उन्हें डील करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें, क्लास में हम किसी स्टूडेंट से डेली कॉपी लिया करते थे वर्क करने के लिए, और वो हमें डेली कॉपी को दे देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हमने उससे कॉपी मांगी कि होमवर्क के लिए हम कॉपी दे दो, तो वो बोलता है कि पहले चॉकलेट खिलाओ उसके बाद ही कॉपी मिलेगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि उसने हमसे आज कंडीशन रख दी। डेली वही काम नॉर्मली हो जाता था, बिना कंडीशन के हम कॉपी मांगते थे वो देता था, लेकिन आज हमने जब कॉपी मांगी तो बोल रहा है कि चॉकलेट खिलाओ उसके बाद ही कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंडीशन आ गई। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी कहीं पर भी कैसे भी कंडीशन आ जाती है। जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे थे, तो डेली आपसे टीचर कुछ नहीं कह रहा, आपको डेली पढ़ा रहा था। एक दिन क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि आज क्लास में सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जिनकी फ़ीस सबमिट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेली पढ़ाई के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, फिर आज पढ़ने के लिए एक कंडीशन है कि जिसकी फ़ीस सबमिट होगी वही पढ़ेगा, जिसकी फ़ीस सबमिट नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कहीं पर भी कैसे भी कंडीशन आ जाती है। सेम एज़ प्रोग्रामिंग करते समय भी हमारे प्रोग्राम्स में कहीं पर भी कैसे भी कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो अगर हमें उन कंडीशंस को हैंडल करना है, तो हमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स होने चाहिए जिसका यूज़ करके हम कंडीशंस को हैंडल करें। तो उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम कंडीशन को हैंडल करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो पाइथन के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके हैं इफ़ स्टेटमेंट्स। तो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके प्रोग्रामिंग में कंडीशंस को हैंडल करते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हमने कंडीशंस को हैंडल किया। तो अगर हम बात करें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं, तो एक तो आपका सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है जो एक कंडीशन को हैंडल करता है। तो अगर हमारे प्रोग्राम में कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस कितनी भी हो सकती हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, कभी दस, कभी पंद्रह, कभी बीस, तो कितनी भी कंडीशंस प्रोग्रामिंग में हो सकती हैं। तो हमें उन कंडीशंस को हैंडल करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप के इफ़ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसका यूज़ करके हम सिंगल कंडीशंस के लिए अलग है, टू कंडीशंस के लिए अलग है, मोर देन टू कंडीशंस के लिए अलग है, तो वो सब समझने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, जो कि एक कंडीशन को डील करता है। अब अगर हम बात करें कि और कौन होते हैं, तो हमारे पास एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो दो कंडीशंस को हैंडल करता है। तो जो सिंपल इफ़ था, ये वन कंडीशन हैंडल कर रहा है। तो अगर आपके प्रोग्रामिंग में एक कंडीशन है, तो आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास टू कंडीशन है, तो उसके लिए आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो टू कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। अगर हम बात करें दो से ज़्यादा अगर हमारे पास कंडीशन है, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है इफ़ एल इफ़ स्टेटमेंट। तो हम इफ़ एल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इफ़ एल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग मोर देन टू कंडीशंस को डील कर लेते हैं। तो मोर देन टू कंडीशंस अगर हमें हैंडल करनी हो, तो उस टाइम पर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल इफ स्टेटमेंट को। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट एक कंडीशन को हैंडल करेगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट दो कंडीशन को हैंडल करेगा, और इफ़ एल इफ स्टेटमेंट मोर देन टू कंडीशंस को हैंडल कर देता है। और इसके अलावा कुछ और होते हैं, जैसे कि एक होता है आपका मल्टीपल इफ़। मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट जो होता है,
वो उसमें मोर देन वन इफ होते हैं, जो मोर देन वन कंडीशन को हैंडल ये भी कर सकता है, मोर देन वन इफ होते हैं इसमें, जो मोर देन वन कंडीशंस को हैंडल कर सकता है। और इसके अलावा हम एक तरीके से और इसको यूज़ करते हैं, और वो है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके भी आप कंडीशंस को डील करते हो। तो कुल मिला के हम ये जो इफ़ स्टेटमेंट्स हैं उसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो हम उसको सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके डील कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं तो फिर हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। अगर हमें हमारे पास मोर देन टू कंडीशंस हैं तो उस टाइम पर हम इफ़ एल इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम मोर देन वन कंडीशन रखते हैं तो उस टाइम पर हम या तो इफ़ एल इफ से या फिर मल्टीपल इफ से भी उसको डील कर सकते हैं। और जब कंडीशन के अंदर कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम पर हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ़ इनसाइड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ। तो अगर कभी इफ के अंदर इफ कब यूज़ करेंगे, तो जब हमारे पास कंडीशन इनसाइड कंडीशन होगी, यानी कि कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन लगानी पड़ जाए, तो फिर हम उस टाइम पर यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ को। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि इन सब का कुछ ना कुछ यूज़ है, सबका अलग अलग पर्पस है, सबको अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। एक कंडीशंस के लिए कुछ अलग, दो कंडीशन के लिए कुछ अलग। तो ये सारे इफ़ स्टेटमेंट्स हैं जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि सिंपल इफ़ को कैसे यूज़ करना है, इफ़ एल्स को कैसे यूज़ करना है, इन सभी के सिंटेक्स और उसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप इसके अगले वाले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, तो आपको पूरा जो इफ़ स्टेटमेंट है यानी कि कंडीशन स्टेटमेंट्स, उसके बारे में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, और आप प्रोग्राम्स को सॉल्व करने लग जाओगे, कंडीशन वाले प्रोग्राम्स को कैसे डील करते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।